Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to practice some sentences in future continuous tense. So if you haven't subscribed the channel, please subscribe it and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. So let's get started. Future continuous tense. The formation of the future continuous tense is subject plus will be plus ing form of verb. For example, he will be studying. Vah padhai kar raha hoga. Let's see some of the sentences in future continuous tense. Vah tumhare bare mein baat kar raha hoga. He will be talking about you. इसमें he ये subject है, will be ये to be का helping verb है और talking ये ing form of the verb है और about you ये other words है. यहाँ पे ये क्रिया भविष्य में हो रही होगी, कल या परसों या अगले हफ्ते या फ्यूचर में कभी भी. नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे खेल रहे होंगे. चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग. वह तुम्हारी राह देख रहा होगा. ही विल बी वेटिंग फॉर यू. कल इसी समय वे मूवी देख रहे होंगे. दे विल बी वॉचिंग मूवीज दिस टाइम टुमारो. कल सुबह रामू पौधों को पानी दे रहा होगा. रामू विल बी वॉटरिंग द प्लांट्स टुमारो मॉर्निंग. आप जल्दी ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे. यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सुन. मैं कल इसी समय पढ़ा रहा होऊंगा. I will be teaching this time tomorrow. वह किसी से बात कर रही होगी. She will be talking to someone. वे क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे. They will be going to play cricket. यह लड़का कंप्यूटर चला रहा होगा. This boy will be operating computer. जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं तो उसे ऑपरेट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग ये आईएनजी फॉर्म आई है. वह उसे गुमराह कर रहा होगा. ही विल बी मिसलीडिंग हर. तुम्हारा छोटा भाई कमरे की सफाई कर रहा होगा. योर यंगर ब्रदर विल बी क्लीनिंग द रूम. उस समय वह नहा रहा होगा. That time he will be having a bath. या that time he will be taking a bath. ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही होगी. The train will be arriving on the platform number 2. हम रात का खाना खा रहे होंगे जब मैच शुरू होगा. We will be having dinner when the match starts. इस सेंटेंस में खाना यानी टू हैव, उसकी आईएनजी फॉर्म हैविंग. और एक बात, द मैच स्टार्ट्स ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लगता है, लेकिन ये भविष्य काल की क्रिया को दर्शाता है. ये सिंपल फ्यूचर टेंस का अर्थबोध इस सेंटेंस में करा रहा है. उसके दोस्त उसे ताने मार रहे होंगे. हिज फ्रेंड्स विल बी टॉन्टिंग हिम. वे इधर उधर घूम रहे होंगे. दे विल बी वंडरिंग हेयर एंड देयर. 7 और 8 के बीच मुझे फोन मत करो. मैं यूनिट टेस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँगा. डोंट फोन मी बिटवीन 7 and 8. आई विल बी स्टडिंग फॉर द यूनिट टेस्ट. वह
अब के मुकाबले अच्छी अंग्रेजी बोल रही होगी. She will be speaking English much better than now. अगले साल मैं नई कार चला रहा हूँगा. Next year, I will be driving a new car. Friends, we use the future continuous for an action which is a result of a routine. हम रूटीन के किसी क्रिया को यानी एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमेशा की तरह वे कल स्कूल के बाद मिल रहे होंगे. एज यूजुअल दे विल बी मीटिंग टुमारो आफ्टर स्कूल. मैच 9 बजे शुरू हो रही होगी. द मैच विल बी स्टार्टिंग एट 9 o'clock. अगले संडे नीतीश घर की सफाई कर रहा होगा. नीतीश विल बी क्लीनिंग द हाउस नेक्स्ट संडे. दुर्भाग्य से अगले रविवार वो नहीं खेल रहा होगा. अनफॉर्चुनेटली ही वोंट बी प्लेइंग नेक्स्ट संडे. नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ing form of the verb. For examples, वह कल पढ़ाई नहीं कर रहा होगा. He will not be studying tomorrow. परसों वह गाना नहीं गा रही होगी. She will not be singing day after tomorrow. वे एक दूसरे से लड़ नहीं रहे होंगे. They will not be fighting with each other. मैं कोई भी गलती नहीं कर रहा हूँगा. I will not be making any mistake. Now let's see interrogative sentences. Formula: will plus subject plus be plus ing form of the verb. For example, क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा? Will he be studying? Some more examples. क्या वह गलती कर रहा होगा? Will he be making a mistake? क्या पुलिस चोरों को पकड़ रही होगी? Will the police be catching the thieves? क्या तुम उस समय पढ़ाई कर रहे होगे? Will you be studying at that time? क्या वे शिकार कर रहे होंगे? Will they be hunting? So friends, these were some of the sentences in future continuous tense. Do practice them and make your own sentences. If you have liked this video, please don't forget to like, comment and share. Thanks for watching and goodbye.